फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 75 से 100 कराने वाला हूँ। पिछले एक क्वेश्चन पेपर का बाकी रह गया था, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 से 100 तक का आज मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद कल पूरे 100 क्वेश्चन का सेट जो है एक साथ अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है ये तो आप लोग जान लीजिए। ये एक स्टीम पावर प्लांट का साइकिल है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट इसी पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर होता है। यहाँ से पंप लगा के हम पंप करते हैं। यहाँ पे बॉयलर द्वारा हीट एडिशन होता है, क्यू इनपुट यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्यू आउटपुट होता है कंडेंसर के द्वारा। फिर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो है टरबाइन होता है और यहाँ पंप होता है। इसमें कंप्रेसर का कोई रोल नहीं होता है। टरबाइन होता है, बॉयलर होता है, पंप होता है और एक कंडेंसर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका एक हो गया, कंप्रेसर। कंप्रेसर रैंकाइन साइकिल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76, फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज। तो मान लीजिए ये है आपका कन्वर्जिंग, ये हो गया थ्रोट, ये डाइवर्जिंग नोजल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट, ये आपका थ्रोट है। ठीक है, ऑफ ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज व्हेन डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। जब मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है तो यहाँ पे थ्रोट पे जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो सोनिक वेलोसिटी होती है, सोनिक वेलोसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फ्ल्यू गैसेस पासेस ओनली इन वन डायरेक्शन, देयर इज नो रीसर्कुलेशन ऑफ वाटर, स्टीम इज सेंट आउट इन मल्टीपल डायरेक्शन, एयर इज सेंट थ्रू द सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, नो सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये जो है एक सिंगल पास बॉयलर है, इसमें एक ही बार वाटर एंटर करता है, उसी तरफ से निकल जाता है। नो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का सर्कुलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन्स इज ऑब्टेंड एट। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मतलब अचीव होता है, किसमें, आईसी इंजन में। तो आईसी इंजन में स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस में, ठीक है, जो स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस होता है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी को परिभाषित करें। तो ऊष्मा गतिकी यह एक विज्ञान है जो प्रणालियों के ऊष्मा कार्य गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित करता है, किसमें, हीट में, वर्क में और उसके प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है, कौन, ऊष्मा गतिकी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, पीटा ट्यूब मेजर्स। तो आपको मैं बता दूं, वेंचुरीमीटर, पीटा ट्यूब, और ओरिफिस मीटर। इसमें वेंचुरीमीटर जो फ्लो वेलोसिटी मेजर करता है, पिटॉट ट्यूब जो डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्ट्रीम का मेजर करता है, ओरिफिस मीटर फ्लो मेजर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, डायनेमिक प्रेशर ऑफ ए मूविंग स्ट्रीम। पिटॉट ट्यूब किस तरीके का होता है, ये 90 डिग्री पे बेंट एक पाइप होता है, जिसको मान लीजिए इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है तो इसके अगेंस्ट हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे एक स्टेग्नेशन पॉइंट बनता है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ पे जो है हेड राइज होता है, उसके हेल्प से हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, द बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज ए वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज। बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर को हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर। क्यों, क्योंकि वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेज जो होती हैं अराउंड देम होती हैं। ठीक है, वाटर जब ट्यूब में पास होगा तो उसे वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे, और अगर वाटर जो है बाहर रहे और ट्यूब फायर जो है फ्लू गैसेस जो हैं वो ट्यूब में फ्लो हों तो उसके कहेंगे हम फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इन द डैश इन द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द नॉकिंग। हाइड्रोकार्बन जो होता है फ्यूल में वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों, कब,
नॉकिंग के दौरान, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। इफ़ द ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेज देन द वियर लॉस, अगर वह ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो वियर लॉस कम हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपका कोई सरफेस, ठीक है, फ्लोर पे इसको हम घिस रहे हैं, ठीक, अगर इन दोनों के बीच कोई लुब्रिकेशन नहीं होगा या फिर कम विस्कोसिटी का लुब्रिकेशन होगा तो यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो वियर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे वियर कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोटो डायनेमिक मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो रोटो डायनेमिक मशीन के बारे में इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर वेन्स एंड फ्लूड, फ्लूड और रोटर वेन्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है, किसमें, रोटो डायनेमिक मशीन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज कितनी तरीके की होती हैं, एक होता हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको याद करने का मैं एक तरीका बता दूँ, इंटेंसिव में क्या आ रहा है, इन, इन से क्या हो गया, इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव जो होगा तो वो जो है डिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, तो इसमें कौन सा इनडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है इसमें अगर पार्टीशन लगा देंगे तो इधर वी बाई टू हो जाएगा, वी बाई टू हो जाएगा, जिस रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे, बाकी डेंसिटी हर तरफ सेम रहेगा, टेम्परेचर हर तरफ सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, केवल वॉल्यूम जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 इज स्टोर्ड इन ए क्लोज्ड टैंक अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, इसमें क्या होगा, एक टैंक है इसमें वाटर फिल किया हुआ, कहाँ तक, 2 मीटर तक, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक, तो सबसे पहले तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी इंटू एच, रो आप कितना लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल इसमें भरा हुआ उसका कितना है 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 700 इंटू मान लीजिए 9.81 इसका ले लेंगे, उसके बाद क्या है मीटर, 2 मीटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.014 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉजल यूज्ड इन स्टीम टरबाइन कन्वर्ट्स, तो नॉजल जो स्टीम टरबाइन में यूज होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या फिर एंथैल्पी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, तो इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ, जो काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल के साथ जो एसोसिएटेड होती है इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89, यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो वेयर इन वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज, मान लीजिए कहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो अगर टी समय पे हम ये दो सेक्शन मान लेते हैं, सेक्शन 1-1 सेक्शन 2-2, एट टी टाइम पे दोनों पे अगर वेलोसिटी सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो, और इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी, डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 90, ए पावर प्लांट दैट यूजेज ए गैस टर्बाइन फॉलोड बाई स्टीम टर्बाइन फॉर नेसेसरी पावर जनरेशन इज नोन एज ए कंबाइंड साइकिल, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन कॉमनली यूज, तो एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन हम जनरली यूज करते हैं कहाँ पे, एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है हमारा इजिली अवेलेबल है और लाइट इन वेट होता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन हो जाता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में, ठीक है। क्वेश्चन 92, विस्कस फोर्सेस आर नॉट अवेलेबल इन, तो विस्कस फोर्सेस इरोटेशनल फ्लो में जो है विस्कस फोर्सेस नहीं अवेलेबल होती हैं, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, रो वी डी बाई म्यू, इसमें भी म्यू हो गया,
ट्रांजिशन फ्लो में भी चाहिए, रोटेशनल फ्लो में मान लीजिए कोई प्योर पार्टिकल है इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, जब तक इस पर कोई शियर फोर्स नहीं एक्ट करेगा या फिर विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ये किस तरीके से अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, जब रोटेट नहीं करेगा तो इरोटेशनल होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज द मोस्ट रिलेवेंट इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस, तो इसमें से कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है एयर स्टैंडर्ड साइकिल एजम्पशन में, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि वर्किंग फ्लूड इज ए मिक्स्ड फिक्स्ड मास, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ऑटो साइकिल आपका है, ठीक है। वैसे मैंने ऑटो साइकिल के डेरिवेशन का एक वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को मैंने शो किया है, ठीक है। यहाँ पे पीवी साइकिल है तो ये जो पूरे साइकिल में जो मास फ्लो हो रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। वर्किंग फ्लूड इज ए फिक्स्ड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक इज अनदर यूनिट ऑफ, तो स्टोक किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को क्या कहते हैं हम, स्टोक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज वेरीज डैश विद स्पीड, तो लीनियरली डिस्चार्ज वेरी करता है स्पीड के साथ, वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सब लोग चलाते हैं, उस पर जो है इंजन के ऊपर एक इस तरीके का शेप बना होता है, स्टील टाइप का ऐसे बड़ा होता है इस इंजन के ऊपर, ठीक है। वो किस लिए होता है, एयर कूलिंग के लिए होता है, और एयर कूलिंग का यूज कहाँ करते हैं हम, जहाँ पे लो पावर जनरेशन होता है, मतलब लाइट ड्यूटी इंजन्स में यूज करते हैं, तो मोटरसाइकिल में हम एयर कूलिंग सिस्टम प्रिफर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होता है उसमें जो है डेंसिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, फॉर ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, द कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर मशीन में क्या है, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड, ठीक है। जिस स्थान को हमें कूल करना है वहाँ से जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, और रेफ्रिजरेटर का जो है कैपेसिटी किस पे डिपेंड करते हैं, टन में, 1 टन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट या फिर 3.5 किलो वाट, ये याद रखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा टन और उसको कन्वर्ट करने के लिए दे देगा किलो जूल में या फिर जूल में, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कन्वर्जन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो बिना डिफॉर्मेशन के अगर कोई मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करके क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ला रही है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, इसके बाद आपको अलग से क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए मात्र। इफ़ द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन ए सिलेंडर इज 250 किलो पास्कल देन द एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी, अगर ये 250 किलो पास्कल है तो इसमें 100 ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा, 350 किलो पास्कल आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 101 किलो पास्कल आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको टेक्निकल यहाँ पे बेहतरीन टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, चाहे कन्वेंशनल पेपर हो, SSCJEE का, SSCJEE का प्री हो, मैंने खुद 3 बार SSCJEE में प्री में 80 मार्क्स टेक्निकल में स्कोर किए हैं, तो सोचिए आप यहाँ से जो गाइडेंस मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, और मैंने SSCJEE मेंस में भी जो है अच्छा नंबर स्कोर किया है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।